यस्यं भागवतं प्रपन्नो भागवतं रसप्रियः, क्योंकि भागवत का रस ही ऐसा है। देखिए, जितने बाल उखड़ते हैं सिर में से उतने नए उगते भी नए उगते महाराज, हाँ जितने उखड़ जाते हैं उतने नए उगते रहते हैं। इसीलिए बाल रोज कंघी में आपको दिखते होंगे कंघी करते समय, पर फिर भी खोपड़ी पर बाल दिखाई देते रहते हैं। अब बोलिए, अगर बाल बार बार ना हो गए तो बाल तो कब का गंजा हो गया होता, इतने बाल कंघी में सबके ही निकलते। बाल कभी पुराने नहीं होते महाराज, हाँ बालों के दो ही रंग तो हैं, सफेद और काला, रंग तो दो हैं पर बाल पुराने कभी नहीं होते। क्यों पुराने नहीं होते? यस्यम कर्म विभूषितम कर्मेन्द्रियाणां गति, पांच कर्म इंद्रियां हैं उनमें से एक इंद्री बाल ही होता है। हाँ, हाथ पैर लिंग गुदा और रोम, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं। आंख नाक कान जीभा और चमड़ी, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसे दस इंद्रियां हो गई। मन बुद्धि चित अहंकार, ये 14 हो गए। कितने हो गए? 14। इन 14 की मर्यादा में जो आदमी संयम धारण कर लेता है, वह राम और सीता लक्ष्मण की तरह 14 वर्ष का वनवासी हो जाता है और बाद में अयोध्या का राजा बन के सारी दुनिया पर शासन करता है। कम से कम हम सबको 14 वर्ष अपनी इंद्रियों का संयम साधना चाहिए। अब कब साधे महाराज? ये समय आ गया। भगवान राम ने तो विवाह के बाद साधा था, पर हम आपको विवाह के बाद साधने की नहीं कहेंगे। हम विवाह से पहले ही अगर कोई साध ले तो फिर उसे जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं सताती, क्लेश नहीं सताता। फिर हकीम और वैद्यों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कभी न कभी जीवन में साधना ही पड़ता है। आपको जब अनुकूल आए तब साधो, पर बिना संयम साधे आनंद नहीं बरसेगा। न स धनम प्रपन्न योगम, और धन इकट्ठा नहीं होगा सुख का। धन आपका मटका नीचे से फूटा हो और आप मटके को नल के नीचे रख के नल चला दो, नल तो चलता रहेगा, पानी मटके में गिरता भी रहेगा, पर मटका भरने का नाम नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? वो आप समझ गए, क्योंकि मटका नीचे से फूटा हुआ है, इसीलिए उसमें जल तो गिर रहा है पर जमा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन का हाल है। हमें सुख तो आ रहा है, आनंद आ रहा है, अमीरी आ रही है, शांति आ रही है, पर हमें अनुभूत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम छिद्र है। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे पुरुषार्थ में, हमारी मेहनत में, हमारी तपस्या संयम में, हमारे धर्म आचरण में, मानवता में छिद्र हो गया है। उस छिद्र के कारण जो बरस रहा आनंद है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा है। बोलिए, किसके घर में कपड़े लत्ते नहीं है? सबके घर में। किसके घर में दरी बिछोना नहीं है? सबके घर में। किसके घर में खटिया बेड नहीं है? सबके घर में। किसके पास घर नहीं है? सबके पास है। और हर आदमी की जेब में पैसा रखा हुआ है। किसी की में बड़े बड़े नोट हैं, किसी की में छोटे नोट हैं, किसी की में ज्यादा हैं, किसी की में कम है। पर पांडाल में जितने भी बच्चे बच्चियां बैठे, बूढ़े जवान बैठे, ये सारे के सारे लोग धन के मालिक बैठे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास भी 100-500 रुपए निकल जाएंगे। एक वर्ष के बच्चे के पास भी पैसा होता है, कल्पना कीजिए। जन्मदिन बच्चे का मनाया जाता है तो 1000-2000 रुपए तो ऐसे ही आ जाते हैं बालक पर, और उन पैसे का बालक क्या करेगा? दादी और मम्मियां उसको रख लेती हैं उसके नाम से, ये इसके जन्मदिन का इसके काम आएगा। तो अब आपको समझना है, एक वर्ष के बच्चे के पास धन हो सकता है, उसके पास अनेक वस्त्र हैं और अनेक प्रकार के उनके पास बिस्तर हैं महाराज। बच्चे के पास बिस्तर अनेक प्रकार के होते हैं, और सुनिए, बच्चे का बिस्तर बदलने वाला पूरा घर नौकर रहता है, पूरा घर नौकर है।
बच्चे को गोद में रखना, कंधे पर रखना, कंधे पर बिठाना, गोद में बिठाना, छाती पर लिटाना और जबरदस्ती हंसाते रहना, इतनी नौकरी हम करते हैं महाराज। तो अब कल्पना करो इस संसार में कौन दुखी है, फिर क्या कमी किसी के पास है। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है गरीबी जताने लगता है, अब अनुभव अभाव होने लगता है उसके जीवन में। 15 साल का बच्चा हो जाए उसके जीवन में अभाव हो जाता है, फिर रोता रहता है पिताजी के पास में, आज मुझे पैसे की जरूरत है, पिताजी पैसा नहीं देते, आज मुझे फीस भरनी है, आज मुझे कपड़ा खरीदना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वहां जाना है। देखिए आयु से शरीर से बड़ा होने के बाद व्यक्ति को बड़ा घाटा पड़ता है, आयु कम रहे और शरीर भी छोटा रहे तो व्यक्ति चिंता मुक्त रहता है। 10-12 साल तक बच्चे को क्या फिक्र है, बोलिए, खाने की फिक्र घर वालों को, कपड़ों की फिक्र घर वालों को, सोने की फिक्र घर वालों को। देखिए ना, रात में तुम्हें नींद नहीं आए, पूरी रात गोली खा खा के सो रहे हैं, और बच्चे को नींद नहीं आए तो पूरा घर सुला रहा है, जग रहा है उसके लिए। इसीलिए भागवत का क्या मूल है, क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कर्म से चाहे आप जितने बड़े हो जाइए, पर मन बुद्धि और हृदय से आप बालक ही बने रहो तो पवित्रता के कारण भगवान तुम्हारे सारे साधनों की फिक्र करेगा। पर कैसा प्रॉब्लम है, तुम जैसे बड़े होते हो तो तुम्हारे कर्म छोटे हो जाते हैं और मन तुम्हारा दुष्ट हो जाता है, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो जाती है, चित्त तुम्हारा अपराधी हो जाता है, आत्मा तुम्हारी कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए सब कुछ होके भी जीवन में अभाव ही दिखाई पड़ता है, सब होके भी जीवन में अभाव सा लगा है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन बेकार हो गया, मन का हाल बेहाल हो गया, बुद्धि का हाल बेहाल हो गया। इसीलिए आदमी बड़ा होते होते कमजोर पड़ने लगता है, असहाय होने लगता है। फिर घर वाले क्या कहते हैं सुनिए, घर वाले कहते हैं महाराज अभी विवाह नहीं करना है, बच्चा अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। बोलिए, पूरा घर बच्चे का पैर बन के चल रहा था बचपन से, जैसे ही बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली अब घर वालों ने उसे अकेला कर दिया। देख लो, जैसे जवान हुआ पढ़ाई पूरी हुई अकेला हो गया, अब घर वाले कहते हैं क्या करें महाराज, ना जाने कौन सा ग्रह खराब हो गया है, पढ़ लिख के घर में बैठा है अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। अब कल्पना करो, पैरों पे जब खड़ा नहीं था तब खड़ा मानते थे, अब पैरों पे खड़ा होने का सामर्थ्यवान हो गया है, अब घर वाले उसे अपाय समझते हैं, असहाय समझते हैं। क्यों, क्योंकि प्रत्येक घर वाले को अब उससे स्वार्थ सिद्ध हो गया है। अब घर वाले चाहते हैं कि अब पढ़ाई लिखाई हो, कुछ कमाए धमाए, हमारे सपने पूरा करे। द्वैतम दर्शनम भागम भू भूयाम भागवतम प्रिया दासो अहम त्वया दासम सेवाम रामो समाहितम। राम की सेवा की आदत अगर बच्चे को पढ़ाई के साथ डाली होती तो मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चा कभी भी अपाहिज नहीं होता, असहाय नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों ने अध्ययन करते करते भगवान का ध्यान उपासना यज्ञ आदि सत्कर्म किए। हमने भी पढ़ाई करते करते यज्ञ सत्कर्म ध्यान साधना किए महाराज, तो हब के हम तो अपाहिज नहीं है, हम तो हजारों पैरों पर खड़े हैं, दो पैरों की बात क्या। हम भी जिस प्रकार से खड़े हैं भगवान के सहारे वैसे आप भी खड़े हो सकते हैं, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यस्यं भागवतम जातम कर्मम भागवतम प्रिया यस्यो कर्म विभूषितम भूषणम भागवतम फल। जो व्यक्ति
अपने जीवन को भागवत कर्म बना लेता है। जिसने अपने जीवन को भागवत बना लिया है उसके जीवन में कभी भी असहायपन होना, अपाहिज होना ऐसा समय ही नहीं आता उसके जीवन में कि वो कभी असहाय हो, कभी अपाहिज हो।